कोविड को देखते हुए हमारी रिसेंट गाइडलाइंस अभी लास्ट संडे रिलीज हुई हैं, और जिसके तहत गवर्नमेंट ने जो 25 की सीमा थी किसी भी गैदरिंग के ऊपर, उसको बनाए रखा, और उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी लोगों से फॉलो करने की रिक्वेस्ट की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि थर्ड वेव ऑफ कोविड जो है, उसका खतरा बार बार बताया जा रहा है, और उसके लिए हमें सजग रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसी को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी नेक्स्ट 2 डेज इंटेंसिव कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई जाएगी, और मैं सभी कठुआ वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भीड़ भाड़ में ना जाएं, जहाँ तक हो सके मार्केट में जाना अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें। उसके साथ ही मार्केट प्लेसेस में हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी खुद भी फॉलो करें, और उसके साथ साथ उनके पास जो हमारे ग्राहक आते हैं उनके साथ भी, उनको भी इंश्योर कराएं कि वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। पिछले कुछ दिनों में सामाजिक प्रोग्राम भी या फिर धार्मिक प्रोग्राम भी कुछ जो है लोगों ने, वहाँ पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका वायोलेशन देखने को मिला है, और उसके लिए भी जो हमारी जो टीम्स हैं उनको नेक्स्ट 2 डेज वो इंटेंसिव कार्रवाई इसमें करेंगी। मेरा सभी कठुआ वासियों से ये निवेदन है कि वो कोविड की थर्ड वेव को भी सीरियसली लें। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो हम इस थर्ड वेव से बच पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि हमें वापस जिस तरह से हमें सेकेंड वेव में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसी तरह से मुश्किल का सामना करना पड़े। तो नेक्स्ट 2 डेज की हमारी इंटेंसिव जो ड्राइव रहेगी कोविड वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो अप के लिए और एनफोर्समेंट के लिए, आप सभी लोग उसमें हमारा सहयोग करें, और उसके साथ साथ ही खुद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और दूसरे लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करें। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेगा और वायलेशन करेगा, उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो फाइन्स के रूल लगा रखे हैं, या फिर जो शॉप्स हैं उनको सीलिंग के लिए जो रूल्स बना रखे हैं उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।